वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज हम उन दो गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडियन मार्केट की सुपरहिट कार्स हैं। दोनों गाड़ियों में ही कांटे की टक्कर रहती है सेल्स के मामले में। जी हाँ, वो गाड़ियां हैं मारुति स्विफ्ट और मारुति बलेनो। ये दोनों गाड़ियां एक ही कंपनी की हैं और लगभग सेम प्राइस रेंज की भी। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 2021 में आपके लिए मारुति स्विफ्ट फेसलिफ्ट खरीदना वैल्यू फॉर मनी रहेगा या मारुति बलेनो को खरीदना, और इसी के साथ साथ इन दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं बलेनो और स्विफ्ट के फीचर्स से। तो पहले हम उन फीचर्स की बात करते हैं जो कि दोनों गाड़ियों में कॉमन है। पहला फीचर है स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ये दोनों ही गाड़ियों में बेस से ऊपर वाली वेरियंट्स में देखने को मिलते हैं। दूसरा फीचर है रियर वाइपर एंड डिफॉगर्स। तीसरा फीचर है अलॉय व्हील्स, ये दोनों गाड़ियों में टॉप एंड सेकंड टॉप वेरिएंट्स में मिलते हैं, लेकिन बलेनो के अलॉय व्हील्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं स्विफ्ट से, और बलेनो का टायर साइज 1 इंच बड़ा भी मिलता है। स्विफ्ट में 15 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं और बलेनो में 16 इंच के। टच स्क्रीन डिस्प्ले दोनों ही गाड़ियों में एग्जैक्ट सेम मिलती है। कीलेस एंट्री विद पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन भी दोनों गाड़ियों में ही देखने को मिलता है। 2 एयरबैग्स दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं, ये तो बेस वेरिएंट से ही आना स्टार्ट होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखे हैं एयरबैग्स। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ये टॉप एंड सेकंड टॉप वेरिएंट्स में ही मिलते हैं। ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्ड एंड एडजस्टेबल, ये बेस वेरियंट को छोड़कर सभी वेरियंट्स में मिलते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा ये केवल टॉप वेरियंट्स में ही मिलता है। अब हम बात उन फीचर्स की कर लेते हैं जो कि बलेनो में तो मिलते हैं लेकिन स्विफ्ट में नहीं। वो फीचर्स हैं, बलेनो में सन वाइजर पर मिरर मिलता है वो भी लाइट्स के साथ। बलेनो में स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिल जाती है, यानी कि स्टीयरिंग को आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। और बलेनो में 2 12 वोल्ट्स के पावर प्लग मिलते हैं, यानी कि एक आगे और एक पीछे की सीट पर मिल जाता है। बलेनो में एक सबसे बड़ा फीचर मिलता है यानी कि LED प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स, ये बेस वेरिएंट को छोड़कर बलेनो को सभी वेरिएंट्स में मिलते हैं लेकिन स्विफ्ट के केवल टॉप वेरिएंट में ही मिलते हैं। और बलेनो में ग्लव बॉक्स में लैंप भी मिलता है। ये थे कुछ वो फीचर जो कि बलेनो में मिलते हैं लेकिन स्विफ्ट में नहीं। तो अब हम बात उन फीचर्स की कर लेते हैं जो कि स्विफ्ट में तो मिलते हैं लेकिन बलेनो में नहीं। तो स्विफ्ट फेसलिफ्ट का न्यू फीचर है क्रूज कंट्रोल, ये एक मोस्ट फीचर है जो कि बलेनो में नहीं मिलता लेकिन फेसलिफ्ट आते ही बलेनो में भी मिलने लगेगा, लेकिन स्विफ्ट में इस बार दे दिया गया है। स्विफ्ट में अंडर बॉडी कवर दिया गया है जो कि इंजन को पत्थर और पानी से बचाता है और चूहों को घुसने से भी रोकता है। स्विफ्ट में एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी फीचर आता है आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप फंक्शन, ये जब काम करता है जब आप रेड लाइट वगैरह पर खड़े हो तो ये इंजन को बंद कर देता है, फिर क्लच दबाते ही स्टार्ट भी कर देता है। इस फीचर से फ्यूल काफ़ी बचता है। अब बात इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की कर लेते हैं। तो बलेनो की लेंथ है 3995 mm और स्विफ्ट की लेंथ कम है 145 mm यानी कि 3850 mm, और बलेनो की विर्थ है 1745 mm और स्विफ्ट की विर्थ कम है 50 mm यानी कि 1995 mm, और बलेनो की हाइट है 1510 mm लेकिन स्विफ्ट की हाइट ज़्यादा है बलेनो से 20 mm यानी कि 1530 mm। बलेनो में बूट स्पेस 339 लीटर का मिल जाता है और स्विफ्ट में केवल 204 लीटर का ही मिलता है। स्विफ्ट का बूट स्पेस कम है 135 लीटर बलेनो से। अगर आपको ज्यादा बूट स्पेस वाली गाड़ी चाहिए तो आप बलेनो की तरफ भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के इंजन ऑप्शंस की। तो बलेनो में आपको 2 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला इंजन है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 82 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क निकालता है। बलेनो का दूसरा ड्यूल जेट इंजन है जो कि 89 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क निकालता है, लेकिन स्विफ्ट में एक ही इंजन देखने को मिलता है, वो है 1.2 लीटर ड्यूल जेट इंजन जो कि 89 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क निकालता है। अगर आप पैसे सेव करना चाहते हैं तो बलेनो के 1.2 नॉर्मल इंजन की तरफ जा सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी पैसे सेव हो सकते हैं। अब बात आती है इनके माइलेज की। तो आप सोच रहे होंगे कि दोनों का इंजन सेम है तो दोनों का माइलेज भी सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्विफ्ट में 2 या 3 KMPL ज़्यादा मिल जाता है बलेनो से क्योंकि स्विफ्ट डायमेंशंस वाइज हल्की है बलेनो से, लेकिन दोनों ही माइलेज के मामले में आपको निराश नहीं करने वाली। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की राइड एंड हैंडलिंग की। तो बलेनो की हैंडलिंग काफ़ी प्रीमियम है स्विफ्ट से, और बलेनो में कंफर्ट और स्पेस भी अच्छा मिलता है स्विफ्ट से क्योंकि बलेनो मारुति की प्रीमियम हैचबैक है। तो अब बात करते हैं इन दोनों के कलर ऑप्शंस की। तो बलेनो में 5 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, और स्विफ्ट में भी 6 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, ये भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। अब बात आती है इन दोनों के प्राइस डिफरेंस की। तो इन दोनों का प्राइस डिफरेंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा।
वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।